बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाएंगे मशरूम और बकर का मगज। इसके लिए मैंने कटिंग करके रखी है। ये है मशरूम, वाइट मशरूम है और उसके लिए गोभी है और गाजर है, शिमला है और अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा है, मिर्ची काट के रखी है, ये धनिया है और ये अदरक है और ये टमाटर है और ये मेरे पास हैं दो मगज को उबाल दूंगा। मैंने इसके बाल बाल हटा दिए थे, साफ कर दिए। मैंने ये पानी गर्म रखा था, इसको मैं उबाल दूंगा हल्के हाथ से। इसको उबाल आ जाए फिर मैं इसको निकाल दूंगा, फिर मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। हल्का सा इसको उबाल आ जाए, अभी मैंने इसका चूल्हा खोल दिया, चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल करना है इसका। मेरे पास तेल है, इसमें हल्के हाथ से तेल जाएगा, खाने वाले 2 से 3 चम्मच जाएगा। ये जाएगा लहसुन, जाएगी इसमें सब्जी, तो वाला आ गया, इसको निकाल दूंगा। अभी जाएगा इसमें टमाटर, अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, हल्की हल्की सी बोटियां बना देंगे इसकी, इतनी इतनी सी। ये भी दो ही से हो गया। इसकी हमने हल्की हल्की बोटियां बना दिए। अभी जाएगी ये लाल मिर्ची पाउडर, ये चाय वाली चम्मच मेरे पास छोटी, और ये हल्दी है 1 चम्मच, ये है कटर मिर्ची और ये है जीरा, ये चाय का चम्मच है, ये अपनी जरूरत मुताबिक डालो। अभी ये इसको मिक्स करेंगे, अभी हमारा मसाले की बुनाई हो रही है, मसाले की बुनाई हो गई। अभी डालेंगे इसमें मशरूम डालेंगे, ये मैंने काट के धो के साफ करके रखी थी। अभी इसको मैं ढकना लगा दूंगा, अभी इसको माशाल्लाह 5 मिनट हो गए, अभी इसमें डाल दूंगा मैं मगज। ये भी मगज में डाल दी, इसका हल्का सा चूल्हा भरा दूंगा। ढकना दे देंगे, फिर इसका ढकना हटा दूंगा।
अभी इसको धनिया लगा देंगे, ये हल्की सी अदरक लगा देंगे। माशाल्लाह अभी हमारा तैयार हो गया ये। डिश आउट कर देंगे।